Hey guys, I'm Varun, certified nutritionist and supplement specialist. तो हमने अभी कुछ दिनों पहले फैट लॉस वाली वीडियो पार्ट वन बनाई थी, जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा मुझे प्यार मिल रहा है स्टिल, और बट कई सारे नए क्वेश्चंस भी निकल के आ रहे हैं. ओके, तो आज की वीडियो में हम फिर से चार और ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके फैट लॉस में आपकी हेल्प करने वाले हैं, और कुछ गलतियाँ जिनकी वजह से हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा है. और अगर ये वीडियो भी आपकी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक. और नीचे अपना कमेंट भी डाल दिया करो कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है हमारे वीडियो में. ओके, तो टिप नंबर वन की बात करते हैं, या मिस्टेक नंबर वन की बात करते हैं. तो हम स्ट्रेंथ एंड कार्डियो. ओके, अब आप लोग में से कई लोग, मेरे ऐसे ऑडियंस है जो कार्डियो पे, मतलब फैट लॉस का मतलब ही समझते हैं कि हमको जिम जाके कार्डियो करना है, रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, क्रॉस ट्रेनर करना है, बर्पीस करने हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे करना है. यही करते हैं कई लोग, और फिर वो घर चले जाते हैं. देन एक महीने या कुछ दिनों तक उनका फैट लॉस, मतलब जो वाटर लॉस होता है, ठीक है, वो हो जाता है. तो उनको लगता है हम पतले हो रहे हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो स्टक हो जाता है. तो आप समझते हैं कि क्यों हो रहा है ये चीज़, बट एग्जैक्टली आपने फैट लॉस तो किया ही नहीं. आपने वाटर लॉस कर लिया, मसल लॉस कर लिया, बोन डेंसिटी लॉस कर ली, ठीक है. फैट जितना था, जो परसेंटेज में नापा जाता है, वो उतना था, वो उतना ही रह जाता है. क्यों? क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी पर काम करने के लिए आपको इस चीज़ में फोकस करना होगा, एक मैसिव वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट पे, या फिर इसे हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं, जो आपके पर्टिकुलर मसल्स पे काम करती है, मसल ब्रेकडाउन पे काम करता है. और उसके बाद जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो वो चीज़ हील होती है. अब यहाँ पे हम जब प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमें एक ऐसे फूड की ज़रूरत पड़ती है जिनका थर्मोजेनिक इफेक्ट हाई होता है. थर्मिक इफेक्ट वो होता है जो जिसको पचाने में आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी खर्च करती है. इवन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप कार्डियो करते हैं, जितनी कैलोरी आप ड्यूरिंग कार्डियो बर्न करते हैं ये उतनी ही बर्न होती है, बट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपने जो जिम में कैलोरी बर्न की है वो तो आपने बर्न की ही है, बट जब आपको सोरनेस बनी रहती है घर में, इवन जब आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड रहते हैं तो घर में भी उस टाइम आपकी कैलोरी बर्न होती रहती हैं. इसलिए एक रिसर्च में बताया गया था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑलवेज सुपीरियर है कार्डियो से. ओके, सेकेंड मिस्टेक जो हम सबसे ज़्यादा अपने फैट लॉस जर्नी में करते हैं वो होगा आपका पैक्ड फूड आइटम्स, ठीक है. सेकेंड चीज़ क्या होगी, पैक्ड फूड आइटम का कंजप्शन हम फैट लॉस के दौरान कर लेते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक म्यूसली हो गई. हम कई कंपनीज म्यूसली बेचती हैं फैट लॉस के लिए बना के, कई स्लिम शेक्स आते हैं मार्केट में कि आप इसको पीजिए आप स्लिम हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एग्जैक्टली उनमें सोया प्रोटीन डाल दिया जाता है गाइस, तो वो बड़ी ही बेकार चीज़ है. वो फैट लॉस तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, ऊपर से आपको गैस्ट्रिक इश्यूज अलग शुरू हो जाएंगे. तो इस टाइप के पैक्ड फूड म्यूसली जैसे कि बना देती हैं, कुछ अदर कंपनीज भी बना देती हैं, वो आपको नहीं लेना है. हाँ, अगर कोई कंपनी स्पेशल बना रही है तब आप वहाँ चीज़ें ले सकते हैं. मैं किसी भी ब्रांड को यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कंपनी बुरा है, आपका कंपनी अच्छा है, तो आप लोग वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि आपको मूसली को पीछे उसके एनर्जी लेवल्स देखने की, उसमें कितनी कैलोरी हैं. ओके, नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं फैट लॉस में जो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. थर्ड चीज़, हम अपने फैट लॉस में विटामिन सी का कंजप्शन नहीं करते. ये सबसे ज़्यादा बुरी बात होती है गाइस. फैट लॉस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका विटामिन सी, या फिर अच्छी भाषा में बताऊँ सिट्रस फूड. जो भी खट्टे फल हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, आपका आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए अपनी फैट लॉस जर्नी में, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ड्यूरिंग फैट लॉस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो ये उसको बढ़ाती है, तो इनडायरेक्टली आपका फैट लॉस भी प्रमोट होता है. मिस्टेक नंबर फोर, हम कम कैलोरी वाला फूड तो खाते हैं गाइस, बट हमें उसके GI का भी ध्यान रखना होगा. GI मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि आपका इंसुलिन कितनी तेज़ रिएक्ट कर रहा है उस फूड के आने पर. तो इसको आसान भाषा में समझाऊं कि कौन किस प्रोडक्ट में कितनी शुगर है. तो आपको अगर जीरो शुगर फूड भी है बट उसका अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो आपको वो नहीं लेना है. ट्राई करें कि लो या मॉडरेट
ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप गूगल में जाके देख लीजिएगा कि आप जो भी फूड खा रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। बिलो 70 है तो ही आप उस फूड को पिकअप करें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वो किसी हम बाद में बनाएंगे वीडियो उसके बारे में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको लो जीआई या मॉडरेट जीआई वाले फूड्स ही पिकअप करने हैं। तो ये थी आज की हमारी चार टिप आपके फैट लॉस के लिए। पार्ट 3 आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जल्दी ही आएगा। होप आप सभी को ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, एंड तक बने हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।